हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर के बारे में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट इज ऑल वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, हमें करना क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, ये होता क्या है, स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ये सब पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने कैश बुक बनाया था और वो भी कौन सा कैश बुक था? डबल कॉलम कैश बुक, याद आ रहा है? डबल कॉलम कैश बुक। ओके, इस कैश बुक के हिसाब से जो बिजनेस कंसर्न्स होते हैं वो एक कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें दो कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम और दूसरा बैंक का कॉलम। ठीक है, कैश के कॉलम के हिसाब से पता चलता है कि कितना कैश का बैलेंस है, और जो बैंक का कॉलम होता है उसके हिसाब से पता चलता है कि बैंक में कितना बैलेंस अवेलेबल है। ओके, अब कोई एक कंसर्न है, कोई भी एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, ठीक, इन्होंने बोला अपने अकाउंटेंट को, किसको बोला? अपने अकाउंटेंट को, ठीक है, कि भाई हमारा जो है बैंक में, हमारा जो बैंक अकाउंट है, जो एक्सपायर लिमिटेड का बैंक अकाउंट है, उसमें कितना बैलेंस है। ठीक है, उसमें आपके हिसाब से उसमें कितना बैलेंस है, तो ये अकाउंटेंट क्या करेगा, ये कैश बुक देखेगा। ठीक है, कैश बुक देखेगा, और कैश बुक का कौन सा कॉलम देखेगा, उसे कैश कॉलम से यहां पर मतलब नहीं है, उसे कौन से कॉलम से मतलब है? बैंक कॉलम से। तो वो कैश बुक का बैंक वाला कॉलम देखेगा, और वहां पर मान लो उसने बोला कि भाई हमारा पांच लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है। अभी मैं एक एक करके सब चीज समझाऊंगी कि व्हाट इज डेबिट बैलेंस, उसमें क्या क्या है। 5 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है, तो अकाउंटेंट के हिसाब से क्या हुआ, 5 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब यहां पर इस पूरे चैप्टर में ना कुछ टर्म्स आएंगे आपके, कुछ अलग अलग टर्म्स आएंगे, जैसे कि फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, और डेबिट बैलेंस, ये टर्म्स आएंगे आपके, या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी आप, या फिर बैलेंस एज पर पासबुक, वो अलग अलग चीजें आएंगी, हम एक एक करके सब चीज समझेंगे। तो उसने बोला कि भाई हमारा 5 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है। ठीक, अब अचानक से कोई बात हुई, एक्सवाईजेड लिमिटेड ने क्या किया कि अपने बैंक को भी फोन लगा दिया, और बैंक को फोन लगाया और बोला कि भाई आप बता दो कि हमारा बैंक में कितना पैसा है, हमारा बैंक में कितना पैसा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड का जो बैंक था, सपोज कि ये HDFC बैंक था, इन्होंने बोला कि भाई आपका जो है, हमारे पास जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है, 5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है। ओके, अब बात समझ में आ रही है, कुछ हो क्या रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, चलो अभी सब समझ में आएगा एक एक करके। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें, हमें करना ये है, हमें देखना है, कई बार होता क्या है, जो कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस होता है वो बैंक का जो पासबुक होता है, बैंक हमारे लिए भी मेंटेन करती है ना कुछ, बैंक एक्स वाई जेड लिमिटेड का कुछ मेंटेन कर रही होगी ना भाई, तभी तो उसको पता होगा कि एक्स वाई जेड लिमिटेड के इस महीने में इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो बैंक का जो पासबुक है एक्स वाई जेड लिमिटेड का बैंक के पास, उससे उसके बैलेंस में क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो भी अकाउंटेंट ने जो भी कैश बुक बना रखा था, उसके बैंक का जो बैलेंस था वो कुछ और आ रहा है,
और बैंक से जो पासबुक निकलवा के लाए, हम प्रिंट करवा के लाए कि भाई मार्च महीने का हमें पासबुक देखना है और हम चेक करें कि भाई कितना बैलेंस है, तो उस हिसाब से बैलेंस कुछ और आ रहा था, यानी कि आ गया डिफरेंस, आ गया डिफरेंस। तो यही जो डिफरेंसेस होते हैं, इनको पता करके, इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करके हम वापस से उनको कोशिश करते हैं कि इन दोनों बैलेंसेस को मिला दिया जाए, ये दोनों बैलेंसेस को हम बराबर कर पाए। ठीक है, हम ये कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश करने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, हम एक सिंपल बात ये कि हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम, हमारे पास जो कैशबुक का बैलेंस है और बैंक ने जो हमें पासबुक का बैलेंस दिया है, उन दोनों को हम मैच कर पाए। जो भी एरर्स हुए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उनको हम मैच कर पाए, उसके लिए जो भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपको समझनी है इसमें, छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या क्या है इसमें। हमेशा इनके क्वेश्चंस में एक शब्द आएंगे, कुछ वो क्या आएगा, फेवरेबल बैलेंस। ये क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है, या बैलेंस एज पर कैश बुक। पॉजिटिव बैलेंस, ये जो अलग अलग तरह से लिखे हुए ना, इन सबका मतलब एक ही है, क्या मतलब है, अगर कहीं पर कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, कैशबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव है। कैसे है, आप कैश क्या मानते हो, अभी तक जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया उसमें कैश क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर कैशबुक का बैलेंस यानी हमारा बैंक का बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब भी यहां पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, बैलेंस एज पर कैशबुक लिखा है क्वेश्चन में, तो आप इसको पॉजिटिव बैलेंस मानोगे या फेवरेबल मानोगे। ठीक है, ये चारों वर्ड का ट्रीटमेंट जो होगा क्वेश्चन में, या चारों वर्ड का मीनिंग सेम ही निकल के आएगा। ठीक, आपने अपने बैंक में पैसा जमा किया, आपने क्या किया, अपने बैंक में पैसा जमा किया, तो आपको याद है आप बैंक अकाउंट क्या कर देते हो, डेबिट करते हो ना, आपने तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, पर बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपके अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, किया या नहीं किया, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया। तो आपने जो अपने अकाउंट को डेबिट किया, आपके लिए तो ये क्या है, एसेट है, भाई आपका पैसा बैंक में पड़ा है, दैट इज एसेट फॉर यू, वो आपके लिए एसेट है। ठीक है, लेकिन वही पैसा, वही जो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, वो बैंक के लिए क्या है, व्हाट इज दैट फॉर बैंक, वो पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, भाई मेरा पैसा है, मैं कभी भी जब भी चाहूंगा बैंक से वो पैसा निकाल लूंगा। ठीक है, और बैंक को देना पड़ेगा, तो बैंक के लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी है। इसमें होता क्या है, एसेट और लायबिलिटी का सीधा सा रूल आ जाता है कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो बैंक अपने हिसाब से आपको क्रेडिट करती है और आप अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम इस पूरे चैप्टर में आपको दो तरह की चीजें आएंगी, एक तो ये जो पॉजिटिव बैलेंस वाली बात हो रही है,
और दूसरा जो नेगेटिव बैलेंस की बात होगी, हम नेगेटिव बैलेंस के बारे में अभी बात ही नहीं करेंगे, हमें अभी सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस के बारे में बात करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब भी मान लो यहां से स्टार्ट हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, ये दिया होगा। तो जब आप पूरा स्टेटमेंट बना लोगे, पूरा स्टेटमेंट बनाने के बाद जो आप यहां पर निकालोगे वो आप क्या निकाल के लाओगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर कैश बुक दिया है तो आपको पासबुक से मैच करना है, अगर पासबुक दिया है तो आपको कैश बुक से मैच करना है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ मैच करके स्टेटमेंट बना के दिखा देना है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस अगर गिवन है तो आप पासबुक से मैच कर दोगे, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आप कैश बुक से मैच कर दोगे। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपको बस ये तरीका आना चाहिए कि हम कैसे मैच कर देंगे, ठीक है, हमें स्टेटमेंट में हमें कैश बुक के बैलेंस को कैसे पासबुक से मैच करना है। तो जब भी क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा आपका नीचे आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा तो आपका नीचे आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑल क्लियर। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं पहले हम, कि और इसमें क्या क्या हो सकता है, क्यों ये एरर्स होते हैं और हमें क्यों ये बनाना पड़ जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाना पड़ जाता है क्योंकि भाई डिफरेंस आ जाता है कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में, ये बात समझ में आ गई सबके। अब ये डिफरेंस कैसे कैसे आ सकता है, क्या क्या चीजें पॉसिबल है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ सकता है, रीजंस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक आपको, पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है, और कैश बुक अकाउंटेंट मेंटेन करता है, ठीक है, बिजनेस फॉर्म मेंटेन करती है। अब अकाउंटेंट एक मेंटेन कर रहा है और एक बैंक मेंटेन कर रहा है, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। हम इस डिफरेंसेस को हर मंथ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, मंथली बेसिस पे, क्योंकि हम पूरे साल का इकट्ठा नहीं कर सकते कि इतने सारे डिफरेंसेस आ गए और उसके बाद हम चेक करने चले। जनरली वैसे आप कभी भी बना सकते हैं, बिजनेस फॉर्म्स कभी भी बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो ट्रेडिशन है उसमें मंथली बेसिस पे बनाया जाता है। हर महीने का पता कर लेते हैं कि भाई बैंक में कितना पैसा है, ठीक है, चाहे वो मार्च मंथ हो, जनवरी मंथ हो, किसी भी मंथ का, तो मंथली बेसिस पे बनाते हैं। ये मैंने भी बताया, ये कौन बनाता है, बिजनेस का जो भी अकाउंटेंट होगा वो इसे मेंटेन करेगा, है ना, वो इसे मेंटेन करेगा। और पासबुक कौन मेंटेन करेगा, बैंक मेंटेन करेगा, भाई बैंक ही तो मेंटेन करेगा ना पासबुक, ठीक है। तो अब हम रीजन समझते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये डिफरेंस आ जाता है, जो अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है और जो बैंक मेंटेन कर रहा है उसमें ये डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है, ठीक है। तो अब जरा सा हम इसको कोशिश करते हैं समझने की। पहला, कुछ बड़े बहुत ही कॉमन चीजें आप एकदम कॉमन सेंस लगाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो हम आपकी बुक के लैंग्वेज में देखे या नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में भी समझेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या, नाम से पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब जो ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है, जो ये बिजनेस फर्म है एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसने एक चेक इश्यू किया 1,00,000 का, इसने एक चेक इश्यू किया 1,00,000 का, ये चेक इसने एबीसी लिमिटेड को इश्यू किया, ठीक है, ये चेक इसने एबीसी लिमिटेड को
इशू किया। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने ये चेक इशू किया सपोज 28th ऑफ मार्च 2021। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 1,00,000 का चेक 28th मार्च 2021 को इशू किया, किसको दिया? एबीसी लिमिटेड को दिया। ठीक है, अब आप जब एक्स वाई जेड लिमिटेड का कैश बुक बन रहा था तो उसके बैंक कॉलम में 28 मार्च को ये 1,00,000 रुपए कम कर दिया गया उसके बैंक कॉलम में, भाई इसी डेट को कि हमने ये चेक काट दिया है तो अब ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट से चला गया, और ये मानकर 28 मार्च को उनके चेकबुक के कैश बुक के बैंक कॉलम से ये पैसा क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, उनका ये मान लो कैश बुक है, कैश बुक का ये मैं सिर्फ बैंक कॉलम बता रही हूं, कैश कॉलम की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, बैंक कॉलम, अब बैंक कॉलम से क्या हुआ कि 1,00,000 रुपए चला गया, हमने निकाल दिए। ठीक है, हमने तो ये मान लिया कि कम हो गया, ओके, लेकिन बैंक ने जो पासबुक मेंटेन कर रखा है, बैंक ने जो पासबुक मेंटेन किया है ना, उसमें से अभी ये पैसा बैंक ने निकाला नहीं है। बैंक के पास अगर आपका बैलेंस पड़ा हुआ था कुछ 5,00,000 रुपए, तो बैंक ने अभी 1,00,000 रुपए क्या किए, बैंक ने अभी 1,00,000 रुपए कम नहीं किए। ठीक है, बैंक ने अभी 1,00,000 रुपए कम नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि भाई ये एबीसी लिमिटेड जाएगा ना बैंक के पास चेक लेके, तभी चेक जमा करेगा, तभी तो बैंक देगी ना आपके अकाउंट से पैसे। ऐसे थोड़ा ना बैंक को सपना आ रहा है कि भाई आपने चेक काट दिया, आपके अकाउंटेंट ने जो है एंट्री कर ली, और अब मैं तो मान लू कि 1,00,000 रुपए मैं भी पासबुक से कम कर दू, मैं भी जो आपका अकाउंट डिटेल देख रहा हूं उसमें से आपके अकाउंट से 1,00,000 रुपए खत्म कर दू, ऐसा नहीं हो सकता। कब होगा? जब ये एबीसी लिमिटेड ये चेक प्रेजेंट करेगा बैंक के पास, जब वो बैंक को ले जाके जमा करेगा, तब बैंक आपके अकाउंट से 1,00,000 रुपए काट के इस एबीसी लिमिटेड को देगी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, आ गया ना डिफरेंस, आया, क्यों? क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने तो 28 तारीख को ही मान लिया कि भाई हमारे पैसे कम हो गए 1,00,000 रुपए, लेकिन आपके बैंक ने अभी नहीं माना है। आपका बैंक कब मानेगा? जब एबीसी लिमिटेड उसके पास आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, और इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बुकिश लैंग्वेज में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, नेक्स्ट ये वाला फर्स्ट पॉइंट था, सारे पॉइंट्स नहीं लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे तो बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, बट नॉट येट क्लियर, मतलब आपको किसी ने भाई चेक दिया था, ठीक है, आपको किसी ने 10,000 रुपए का चेक दिया था, एक्स वाई जेड लिमिटेड को दिया था। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने भेजा अपने बंदे को बैंक में कि जाओ ये चेक जमा कराओ बैंक में। ठीक, अब एक्स वाई जेड लिमिटेड ने भेज दिया, चेक जमा हो गया, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने माना कि भाई हमारे पास 10,000 रुपए, क्योंकि वो चेक जमा हो गया इसका मतलब हमारे पास 10,000 रुपए आ गए, और फिर से उसने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या किया, 10,000 रुपए दिखा दिया कि हमारे पास आए हैं। ठीक है, क्या दिखा दिया कि हमारे पास आए हैं। ठीक है, पर बैंक के कुछ प्रोसेस होते हैं ना, टाइम लगता है बैंक को, बैंक ऐसे नहीं कि बस आपने चेक दिया और तुरंत आ गया आपके अकाउंट में, नहीं, कुछ टाइम भी लग सकता है। तो आपका चेक तो डिपॉजिट हो गया, बट जो जिसको आपने दिया था उसके पास इतना वर्कलोड था कि वो अभी आज तो आपका चेक वो देख भी नहीं पाया कि वो डिपॉजिट के लिए आगे प्रोसेस करे, नहीं था उसके पास टाइम, उसने रख दिया बंच बना के कि मैं कल आऊंगा और फिर कल दूंगा। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए, अब 3 दिन बाद जो है उसको उसने उस चेक के बंच को बनाया लाया और फिर उसने वो चेक क्लियर किया।
3 दिन बाद उसने वो चेक क्लियर किया, ठीक है। अब इस 3 दिन से ना फर्क क्या पड़ता है, 3 दिन से नहीं पड़ता ना कोई फर्क। अब जब आपने 10,000 रुपए रिसीव मान लिया था, उस दिन की डेट थी 30 मार्च, उस दिन की डेट थी 30 मार्च, ये चेक क्लियर हुआ 3 अप्रैल को, कब हुआ 3 अप्रैल को, ठीक है। और आपने बीच में यानी 31 मार्च को आपने अपने अकाउंटेंट से भाई बोल दिया कि मुझे जो है बैंक का बैलेंस बता दो और पासबुक का भी चेक करके बता दो कि दोनों ठीक ठाक है, कितना बैलेंस है। और इस 31 मार्च को आपके पास ये डिफरेंस सामने आ गया कि 10,000 रुपए का तो अंतर है। अब आपको ये बात तो पता ही नहीं कि कहां से अंतर आया, ठीक है। तो क्या हो गया, डिफरेंस यहां पर आ गया। कैसे आया, आपने 30 मार्च को रिसीव कर लिया, अपने बैंक के कॉलम में आपने बढ़ा लिया, अपने कैशबुक में आपने दिखा दिया कि मेरे बैंक अकाउंट में ये 10,000 रुपए हैं, लेकिन क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो जब चेक क्लियर नहीं हुआ तो आपके पासबुक में ये एंट्री बैंक नहीं करेगा। बैंक कब एंट्री करेगा, द डे इट हैज बीन क्लियर्ड, द डे इट हैज बीन क्लियर्ड, तब आपके पासबुक में वो एंट्री होगी, तब बैंक मानेगा कि आपके अकाउंट में ये 10,000 रुपए आए हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी डिफरेंस आ गया, आपने बीच में चेक कर लिया और फिर आपको बड़ी सारी दिक्कतें सामने आ गई कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ठीक। तो ये कुछ चीजें हो जाती हैं, और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हो जाती है जो एकदम से सिंपल है, क्या होती हैं हम देखते हैं। आपके अकाउंट में ना अचानक से तो नहीं, अच्छा बिजनेस चल रहा था आपका, खूब बढ़िया पैसे कमा रहे थे ये एक्स वाई जेड जो थे, और फिर क्या हुआ कि खूब सारे पैसे इनके अकाउंट में पड़े थे, समझ लो कुछ 50 लाख के आसपास पैसे पड़े थे। जिसके अकाउंट में इतने पैसे होते हैं अच्छे, बैंक क्या करता है, उनको इंटरेस्ट देता है ना, बैंक क्रेडिट पे इंटरेस्ट देता है, मतलब आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं तो उसमें बैंक इंटरेस्ट देता है, ठीक। अब बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दे दिया आपको अपनी तरफ से कि भाई हम आपको ये प्राइस दे रहे हैं, ये ऑनर दे रहे हैं कि आपको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपने इतने पैसे बैंक में मेंटेन कर रखे हैं, तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट देके आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट दिया मतलब आपके अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट कर दिया, ठीक। लेकिन ये बात आपके अकाउंटेंट को नहीं मालूम है, ये बात आपके अकाउंटेंट को जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसे नहीं मालूम है ना, उसे नहीं मालूम है। मान लो इंटरेस्ट 5,000 रुपए का, तो ये 5,000 रुपए बैंक ने तो आपके अकाउंट में डाल दिए, पर आपका जो अकाउंटेंट जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसे ये बात नहीं मालूम है। तो इसने ये 5,000 रुपए कुछ नहीं दिखाया कि हमारे पास 5,000 रुपए भी कहीं से आए हैं। तो यहां पर भी आ गया एक डिफरेंस, आ गया ना डिफरेंस 5,000 रुपए का, कि भाई बैंक ने तो आपके अकाउंट में दे रखे हैं पैसे, लेकिन आपके हिसाब से वो 5,000 रुपए तो आपके है ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर भी डिफरेंस आ गया। तो ऐसे करके छोटे छोटे या बड़े बड़े कई सारे डिफरेंसेस आते हैं, ठीक। अब इन डिफरेंसेस को ही क्लियर करने के लिए, सही सुधारने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। अब इसमें दो तरह के, इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न आएगा हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट
एज पर पासबुक। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा उनमें ये चार में से कोई एक कंडीशन शुरू में दिया होगा और आपको उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक का अभी मैंने जो बताया था कि पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस या डेबिट बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या डेबिट बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब यही है सिंपल कि अगर 1,00,000 रुपए बैलेंस है तो वो 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए है, पॉजिटिव बैलेंस है, आपने बैंक से कोई कर्जा नहीं ले रखा है फिलहाल अभी के टाइम पे, और 1,00,000 रुपए आपके बिजनेस के बैंक में पड़े हुए हैं, ये मतलब होता है बैलेंस एज पर कैश बुक का। ठीक है, इसी को करने के लिए हम एक क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि करना कैसे है। ठीक है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूं। ये थोड़ा सा फॉर्मेट है, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, प्लस माइनस या फिर एक में ही आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये अमाउंट डिटेल्स और ये टोटल अमाउंट जो भी आएगा। ठीक, आई एम डूइंग हियर इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपकी बुक का, पेज 13.14, पेज 13.14। ठीक है, बुक कौन सी है सबको मालूम है, टीएस ग्रेबर। तो इसमें लिखा हुआ है भाई कि कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ, ऑन 31 मार्च 2021 कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ कितना, 12,000। कितना, 12,000। तो कैश बुक ने क्या किया, 12,000 रुपए का डेबिट बैलेंस दिखाया, मतलब फेवरेबल बैलेंस दिखाया। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस दिखाया। सेकेंड में है, सेकेंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं वो देख लेते हैं हम। ये पहला है, हाँ सेकेंड इज आउट ऑफ द टोटल चेक्स ऑफ 10,000। मैं कहां पर लिखूं, आउट ऑफ टोटल चेक ऑफ 10,000, है ना, ये क्या कंडीशन बन रही है कि ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि किस वजह से ये डिफरेंसेस आए हैं वो दिया हुआ है, आपको बस उसको करेक्ट करना है। क्वेश्चन में वो भी निकाल के दिया हुआ है, आपको पूरे पूरे महीने का पासबुक नहीं दे दिया गया कि यू फाइंड आउट, नो, आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है कि ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस आए हैं, यू जस्ट हैव टू करेक्ट इट। ठीक है, तो अब ये वाला पहला देखते हैं हम कि क्या एरर है। आउट ऑफ टोटल चेक ऑफ 10,000 इश्यूड, चेक ऑफ 3,000 वर प्रेजेंटेड, चेक ऑफ 3,000 वर प्रेजेंटेड इन 31 मार्च 2021, इन 31 मार्च 2021। ठीक है, 10,000 का चेक था, उसमें से 3,000 का जो चेक है वो प्रेजेंट किया गया और बाकी 4,000 का चेक, 4,000 का चेक जो है वो अप्रैल में प्रेजेंट किया गया और बाकी के चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किए गए हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। एंड रेस्ट नॉट प्रेजेंटेड येट, नॉट प्रेजेंटेड येट। अब इसका मतलब क्या है इस पूरी चीज का कि भाई आपने, आपके जो बिजनेस है उसने 10,000 रुपए का चेक काटा था, उसने क्या किया था, 10,000 रुपए का चेक काटा था। तो इसका मतलब जिस दिन 10,000 रुपए का चेक काटा उस दिन आपके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कम हो जाने चाहिए थे, वो जाने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 31 मार्च जो मार्च महीना चल रहा था उस मंथ तक सिर्फ 3,000 रुपए के चेक प्रेजेंट हुए बैंक में, यानी आपके अकाउंट से कटा कितना, सिर्फ 3,000 रुपए कटा था तब तक जब आपने ये
मैच करने का डिसाइड किया अपना कैश बुक और पासबुक, तब तक सिर्फ 3,000 रुपए का चेक जो है, 3,000 रुपए का चेक प्रेजेंट हुआ था आपके बैंकर के पास और आपके अकाउंट से डिडक्ट कितना हुआ, सिर्फ 3,000 रुपए। ठीक है, बाकी अप्रैल में गया, अप्रैल में प्रेजेंट हुआ, वो अप्रैल के बैंकर कंसलेशन में आएगा और बाकी जो चेक है वो अभी भी प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये इतना बड़ा लिखा है ना, इसका इन शॉर्ट मतलब क्या है कि 10,000 में से सिर्फ तीन, आपने तो 10,000 रुपए मान लिए थे, कम कर दिए थे अपने बैंक अकाउंट से, लेकिन आपके बैंकर ने 10,000 में से सिर्फ 3,000 कम किए हैं, अभी 7,000 रुपए कम नहीं किया है, 7,000 रुपए कम नहीं किया, क्योंकि उसके पास जब आएगा चेक तब वो कम करेगा ना, अभी तक उसने बाकी के 7,000 कम नहीं किए हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट 10,000 का जो आपने मान लिया था कि मेरे बैंक से कम हो गए छे, उसमें से सिर्फ 3,000 रुपए ही कम हुए, बाकी के चेक अभी कम नहीं हुए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई, ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये देखो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है और लाना किसके बराबर है, आपको पासबुक के बराबर लेकर आना है। आपको क्या करना है, पासबुक के बराबर लेकर आना, यानी कैश बुक में आपने जो जो चीजें कम फालतू में घटा रखी है उसे बढ़ा दोगे और जो चीजें फालतू में बढ़ा रखी है उसे घटा दोगे, सिंपल। तो आप 10,000 के चेक में से बैंक ने, 10,000 के चेक में से बैंक ने खाली 3,000 रुपए कम कर रखे हैं, लेकिन आपने 7,000 जो एक्स्ट्रा है वो भी कम कर रखा है, यही तो है ना। 10,000 के चेक में से बैंक ने खाली 3,000 रुपए कम कर रखे हैं आपके अकाउंट से, लेकिन आपने पूरे 10,000 कम कर रखे हैं, यही तो बात है ना। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि जो आपने फालतू में कम कर रखे थे, मतलब जो बैंक के हिसाब से अभी आपके अकाउंट से गए ही नहीं है, आपने उसको फालतू में कम कर रखे हैं इस 7,000 को। ठीक है, 7,000 दिए ना, 3,000 तो बैंक ने भी कम कर दिए और 3,000 आपका भी कम है, वो ठीक है, लेकिन बाकी का जो गैप है अमाउंट का, वो 7,000 को आपने फालतू में कम कर रखे हैं, अभी अभी आपके बैंक से वो पैसे नहीं गए हैं, तो आप क्या करोगे, उसे ऐड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपका कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बराबर चाहिए। ठीक है, आपको मैच करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसे ऐड कर दोगे। ठीक है, और लिखोगे क्या, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब आपने इश्यू कर दिया था लेकिन अभी वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट है, 7,000। आई बात समझ में। देन नेक्स्ट इज आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 5,000 डिपॉजिटेड, मतलब आपके बिजनेस ने कुछ 5,000 के चेक जो है वो डिपॉजिट किए बैंक में, 5,000 का जो चेक है वो डिपॉजिट किया, और जब डिपॉजिट किया तभी ये मान लिया कि भाई हमारे अकाउंट में जो ये 5,000 रुपए आ गए होंगे, हमारे अकाउंट में क्या हुआ, ये 5,000 रुपए आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते क्या है, चेक्स एग्रीगेटिंग 1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च 2021 एंड बैलेंस चेक्स वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2021। तो 5,000 के चेक में से इस ड्यूरेशन में जब आप ये बना रहे हो बैंक को रिकंसिलेशन, तब सिर्फ 1,500 रुपए आपके अकाउंट में आए थे, आपने तो मान लिया कि पूरे 5,000 रुपए आ गए, लेकिन आए कितने थे, खाली 1,500 रुपए आए थे, बाकी जो है वो नेक्स्ट मंथ में जाके क्लियर हुए, बाकी का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुआ। बात समझ आई कि आपने 5,000 रुपए का चेक जमा करवाया बैंक में, आपने मान लिया कि भाई मेरे पास वो पूरे 5,000 रुपए मेरे बैंक में बढ़ गए, लेकिन बैंक का जो क्लियरेंस का प्रोसेस है उसमें खाली 1,500 रुपए आपके अकाउंट में आ पाया, बाकी का पैसा अगले महीने आपके अकाउंट में आया है। आई बात समझ में, तो यानी आपने 5,000 रुपए बढ़ा रखे अपने पास, आपने अपने कैश बुक में मान रखा है कि मेरे पास 5,000 रुपए ज्यादा
हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो 5,000 रुपए इस महीने में आपके पास ज्यादा नहीं है। आपके पास कितने का डिफरेंस है? ये 3500 का है ना, 3500 का डिफरेंस है, क्योंकि बैंक ने खाली 1500 ही रुपए दिए थे आपको। 3500 अभी नहीं दिए इस महीने में, तो एटलीस्ट नहीं दिए, नेक्स्ट मंथ में दिए, इस महीने में ये 3500 बैंक ने नहीं दिए हैं। तो आपने 3500 रुपीज एक्स्ट्रा में बढ़ा रखे हैं, है भाई, है ना, कि मेरे पास तो आ गए पैसे मेरे बैंक अकाउंट में। अरे पैसे तब आते हैं जब चेक क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये 3500 अभी नहीं आया आपके पास, तो आपने जो फालतू में बढ़ा रखा था उसे क्या करोगे? उसे लेस कर दोगे। उसे क्या करोगे? लेस कर दोगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, आई बात समझ में? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कितना? 3500, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, बैंक हैज डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस एंड हैज क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। बैंक ने क्या किया है कि कुछ बैंक चार्जेस, भाई बैंक आपके इतने सारे काम करती है, चेक क्लियर करवाना, ये करवाना, उसके लिए बैंक चार्जेस डेबिट कर लिए आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट से काट लिए, है ना। तो बैंक ने क्या किए, आपके अकाउंट से 100 रुपीज काट लिए, डेबिट कर दिए, ठीक है, और 200 रुपीज क्या किया है, क्रेडिट किया है एज एन इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट भी दिया, भाई आपका अच्छा बैलेंस है बैंक में, तो उसके लिए क्या किया बैंक ने, 200 रुपीज क्रेडिट किया है, ठीक है। आप देखो ये दोनों काम बैंक ने खुद ही कर लिए, इस दोनों काम का आपके अकाउंटेंट को पता ही नहीं है, क्योंकि ये आपके अकाउंट से कट गए और ये आपके अकाउंट में आ गए, ठीक है। इसका आपको या आपके अकाउंटेंट को कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। तो अब होगा क्या, बैंक ने जो पैसे आपको आपके अकाउंट में बढ़ा दिए हैं, इंटरेस्ट दे दिया ना, लेकिन आपने वो नहीं बढ़ाया अभी तक, तो आप भी बढ़ा लो, पर पासबुक के बराबर आ जाओगे। 200 रुपए बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया और आपके कैशबुक में अभी तक वो नहीं बढ़ा है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, अभी तो आओगे आप बैंक के बराबर, पासबुक के बराबर। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ये कितना था? 200 रुपए। आपने भी 200 रुपए बढ़ा लिए अब, और ये 100 रुपए जो बैंक ने कम किए थे चार्जेस के, काटे थे, लेकिन आपके अकाउंटेंट को नहीं मालूम था कि बैंक ने काट लिए हैं, आपके पास 100 रुपए ज्यादा हैं अभी, तो अब यहां पर आप भी अपने कैशबुक से कम कर दो 100 रुपए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, आगे वही आएगा, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कितना रुपए है? 100 रुपीज। यहां तक समझ में आ गई? सिंपल है कि जो बैंक में बढ़ा हुआ है उसको आपने नहीं बढ़ाया तो बढ़ा दो, और बैंक में अगर कम है आपने नहीं घटाया तो घटा दो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। बैंक हैज रिवर्स्ड बैंक चार्जेस 200 रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर, 200 रॉन्ग मतलब 200 रुपए ना पहले कभी बैंक ने आपसे गलती से कम कर दिए थे, ठीक है, पहले पिछले महीने किसी महीने फरवरी के महीने जनवरी के महीने बैंक ने गलती से आपसे बैंक चार्जेस 200 रुपए का ले लिया था, ठीक है, और अब अचानक से मार्च के महीने में वो बैंक चार्जेस बैंक ने रिवर्स कर दिया, वापस कर दिया आपके अकाउंट में, कि भैया हमसे गलती हो गई थी, हमने 200 रुपए काट लिया था, हम वापस कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी आपके अकाउंटेंट को नहीं पता थी, तो नहीं पता थी तो अब पता चल गई, तो अब अकाउंटेंट क्या करेगा, भाई 200 रुपए हमारे पास आए हैं, हमारे पास बढ़ गए तो हम भी बढ़ा लेंगे, तो बैंक चार्जेस रिवर्स को हम क्या करेंगे, एड कर लेंगे, है ना। हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास बैंक चार्जेस वापस आ गए हमारे पैसे कुछ,
तो हमने तो बढ़ाई नहीं, तो हम भी उसे बढ़ा लेंगे, तो 200 रुपए फिर से हमने बढ़ा लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000 बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 200 इन द कैश बुक। अब ये तो भाई बड़ी गलती हो गई कि आपके अकाउंटेंट को तो पता भी था बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था कितने का, 2000 रुपए का दिया था, है ना, लेकिन ये अकाउंटेंट से गलती हो गई कि उसने 2000 के बदले 200 रुपए ही कम किए। उसने क्या किया, 2000 के बदले, बैंक ने तो 2000 रुपए काट लिए ना आपके अकाउंट से, लेकिन जो आपका अकाउंटेंट था उसने आपकी कैश बुक से 200 रुपए ही कम किए। उसने क्या किया, 200 रुपए ही कम किया, पूरे पैसे उसने कम नहीं किए। तो कितने रुपए उसको और कम कर देने चाहिए, 1800 रुपए। 2000 कम करना था, 200 रुपए पहले से कम कर रखे हैं तो 200 रुपए को छोड़ दो, जो अभी नहीं कम किए 1800 उसे हमें और कम कर देना होगा, क्योंकि बैंक ने तो कम कर रखे हैं हमारे अकाउंट से, बैंक ने काट रखे हैं, तो हम भी तो अपने कैश बुक से कम कर लें, तभी तो हम आएंगे बैंक के बराबर, पासबुक के बराबर, है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है, 200 इन प्लेस ऑफ 2000। तो आप क्या करोगे, आप इसको भी जो 1800 का अमाउंट है इसे भी कम कर दोगे। आप पहले 200 रुपए कम किए थे वो अच्छी बात है, लेकिन 1800 और कम होने थे क्योंकि आपके अकाउंट से वो प्रीमियम जा चुका है, तो आपने उसे भी कम कर दिया। ठीक, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय 500। जो कैश बुक का रिसिप्ट साइड होता है, जो भी कैश बुक का क्या होता है, रिसिप्ट साइड होता है, वो अंडरकास्ट है, यानी टोटलिंग में ना 500 रुपए से कम हो गई। तो टोटलिंग में क्या हुआ था, 500 रुपए कम हो गए, मतलब आपने जो कैश बुक बनाया था उसमें 500 रुपए की कमी थी टोटलिंग में। ठीक है, तो 500 रुपए बढ़ा दो, आपकी गलती थी ना, वो तो बैंक की थोड़ा ना गलती थी, बैंक ने तो अपने पास सही कर रखा है टोटल, लेकिन आपके कैश बुक में आपकी टोटलिंग में 500 रुपए की कमी थी, तो आप उस 500 रुपए को बढ़ा दो, है ना। तो आपने क्या किया, उस 500 रुपए को बढ़ा दिया, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, आई बात समझ में, 500 हो गई सारी एंट्री। इलस्ट्रेशन 3 है, देख लेना, ठीक है, हो गई सारी एंट्री। अब हम इसमें सम वन कर ले भाई, कैसे करना है, ऐड वाले सारी चीजों को ऐड कर दो यहां पर, 500, 200, 900, 7900, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ऐड होके कितना आएगा, ये और ये ऐड होके आएगा 19900, और ये जो लेस होने वाला है इसको लेस कर दे हम, पहले टोटल कर लो, टोटल करके तो लेस होगा, ठीक है 5400 को हम लेस कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 19900 माइनस 5400, 14400 आपका बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट दो अलग अलग तरीके के हैं बुक में, एक प्लस माइनस वाला कॉलम भी है और एक ऐसे भी है, जो भी कंफर्टेबल हो उस फॉर्मेट को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, बट आपको सही क्या करना है कि ऐड क्या होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वो चीज सही होनी चाहिए। ठीक है, दिस वॉज इलस्ट्रेशन 3, थैंक यू।